देख रही हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। जिससे साक्षी दुंजल और आज मेरा एग्ज़ाम है 2 बजे। फिर उससे पहले ना आशिफ मिला मेरी और यहाँ पे आ रहे हैं शूट के लिए अपनी टीम के साथ। फिलहाल उन्हें मेरे घर से 4 गली दूर की लोकेशन मिली है, होपफुली वो जल्दी पहुँच जाए। मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। हाय साहिर, हाय गरिमा। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, पता है इसने मुझे कब से बोला हुआ है, 9 बजे रेडी रही हो, 9 बजे रेडी रही हो। मैं एग्जैक्ट 9 बजे से वेट कर रही हूँ इसी चक्कर में। निशांत, 3 2 1 गो। नमस्कार जी, दरअसल हम सरकार की, मैंने ड्रॉ करी है गौतम बुद्ध का। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं जितनी पेंटिंग्स लगी हुई घर पे मेरी ड्रॉ है। तुम्हारा क्या चल रहा है निशांत, तुम कब शूट स्टार्ट कर रहे हो अपने? इस वीक। चल मेरा एग्जाम सुन दे, मैं तेरे को टकराती हूँ, ठीक है? वैसे तो अभी मैं फ्री, कल से मैं थोड़ा फ्री भी हूँ। आपको कैसा लगा ये एरिया? वैसे एरिया अच्छा है, ये धीरे धीरे बोलती है। मैं धीरे ही बोलती हूँ, ये धीरे बोलती है सौरभ, ये धीरे बोलती है। मुझे उस दिन जो उस दिन आशिफ ने क्या कहता है कि धीरे बोलती नहीं, इसलिए ये कैमरे पर बोल रही है। ये एक्चुअली मैं बताता हूँ सीन है कि अपने लोगों के साथ तेज हो जाती हूँ। हाँ ये सच, हाँ, नहीं सच होता है, ये सच ही होता है। मुझे थोड़ा टाइम लगता है। हाँ ये अपने लोगों के साथ है। हाँ हाँ तो थोड़ा वो खुल गया। चलो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू एवरीबॉडी। बाय स्मार्टी, सी या। अभी तो पापा ने अंदर खड़ी करी थी क्योंकि बाय गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग। तो 1 बज चुका है एंड मेरा एग्ज़ाम 2 बजे है, मुझे पूरा 1 घंटा लगेगा यहाँ से। हाँ हाँ आ जा एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने में, माय भाई ब्रदर इज आस्किंग, आ जाओ कुंडी लगाने। मैंने कहा ऑब्वियसली आ जा फटाफट से, हाँ जल्दी से पहुँचते हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मुझे पता है कल डर लग रहा था वो मेरी आई वॉश नौतर वाले, और आज भी मुझे वही है क्योंकि एग्ज़ाम ना रोज़ चेंज होते हैं। मैं जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। एंड अभी आप लोगों को जैसे पता है मेरी गाड़ी जो है वो इंश्योरेंस क्लेम पे गई हुई है, इसको फटाफट से क्योंकि 1 घंटा तो पूरा लगेगा पहुंचने में। पता जिस दिन बारिश आई थी ना तूफान वाली, यहाँ पे बहुत बहुत सारे पेड़ गए, नहीं तो ये आई जस्ट मतलब ये रोड बहुत प्यारी लगती थी मेरे को, रोड बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुकी हूँ, मैं थोड़ी सी रिविजन करूँगी। मुझे लग रहा है वो लड़के पीछे फरे बना रही थी, खैर बनाने दो, ऑल द बेस्ट फरे बनाने। हेलो एंड वी आर हियर, अब यही बात करूँगी मैं एग्जैक्टली। वेल मेरा एग्ज़ाम हो गया, इट वाज गुड, नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर, मेरे को कुछ ख़रीदना था। अब मेरा नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है, मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, सो इट्स टाइम। मैं सोनाली को बोल चुकी हूँ फ़ोन करके, मैं सोनाली मैं आ रही। फाइनली फिर से पैदल पैदल मॉल पहुँचते हुए शटल को डिच कर दिया मैंने, डिच। भैया अगर शटल ले लो, मैंने कहा नहीं भैया लेट मी जस्ट वॉक थोड़ा बहुत। पता ये सोसाइटी है, मतलब ये कंपनी है, पता नहीं सोसाइटी है कंपनी है, अपने यहाँ लोग दिखते हैं हर बार पैदल जाते हुए। सोनाली ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है, बिल तो पूछो ही मत, इतना आया क्या छोड़ो। तो आई जस्ट हैड द कॉफ़ी फ्रॉम बेरिस्ता जो मैं पूरी पी चुकी हूँ, बहुत सारी कैलोरीज के साथ, और मुझे कल डबल वर्कआउट करना पड़ेगा। तो पब्लिक प्लेस में ना ब्लॉग बनाने में ज़्यादा शर्म आती है। नखरे कर दिए सोनाली, इतना मांस दिखाई हो सोनाली, इतना मांस दिखाई, ये देखो मेरा सेक्सी सा मांस। सोनाली कितने का मांस लिया? ये वही 2000 वाला ऑप्शन वाला मांस पर ही है। नहीं ये क्या लगा यहाँ पे? अच्छा ये मेरी ऑप्शन वाला मांस है, बाय वन गेट वन फ्री में लगा, तो 2000-3000 का ऑप्शन का मांस है। उन्होंने बोला 20 फ्री। हटा दो मास्क मैडम,
इतनी भी क्या जल्दी है मैडम? अरे 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 इतना इतना प्यार में मास्क नहीं लगाया प्यार वो बस एक वो है तेरा भी कॉफी स्टार्ट करने वाला सेम मास्क लगा अरे के साथ हो रही इसको तो नहीं दे दिया तूने सो आज हम आ गए हैं ब्रा सेक्शन में और सोनाली और मैं करने वाले हैं ब्रा की शॉपिंग। इधर इन्वेस्ट किया किधर से देख रहे हैं हम? नहीं हम इधर देखेंगे। चल यार सोनाली निकाल ही दे एक अच्छी सी ब्रा मेरे लिए। और ब्रा कौन दिखाता है फोन पे? मैं खरीदेगा व्यूअर तो लौंडे ही है। लोंडिया नहीं है कोई लोंडिया व्यूअर नहीं है यार ऐसा मत बोल। लोंडिया भी होंगी व्यूअर से अच्छा लग रहा है रात को पहनने के लिए। अच्छा हाँ लोगों को सजेशन मिलेंगे ये रात को सोने के लिए अच्छा लग रहा है मगर इसका रेट 3499 क्यों है? ऐसा क्या है इसके अंदर? किसका क्या है 3000? सोनाली 3000 यार सुनाली ऐसा लगा इसके अंदर हीरे मोती को चाड़े हुए अंदर अंदर चेक करना पड़ेगा हाथ घुसा के एक बार। चलो खैर हम ब्रा शॉपिंग जाए ब्रा लेते हैं। जो हमें चाहिए एक वायर्ड टी शर्ट ब्रा। इट्स फाइंड आउट बॉयज कौन कौन ब्रा की शॉपिंग में जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। साक्षी कुछ तो उठा रही है सब बेच के मानेगी कुछ नहीं छोड़ रही देख रहे हो उन्हें खरीदने आएगी बेचने साक्षी घर लेके जाओगी सारी वो ठीक है एक उठाओ ना भैया शॉप वाले भैया आ जाओ नियत ठीक नहीं लग रही लड़की की सब उठा लिया इसने। सो सुनानी ने चूज कर लिया एक ब्राउन मैंने भी ब्रा देख लिया। अच्छा तो डीजल दिखाने वाली कोई मत सुनो नहीं हम बैक की तरफ और देते हैं ये वाला सेक्सी है ये वाला क्या रहेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरे पास बहुत बैग्स हैं मेरी माँ मुझे घर से निकाल के बोलेगी मैं बैग से रख लेती हूँ। तो कब निकल रही हो अपने घर से? मैं फिर तुम्हारे घर आके बस जाऊंगी सोनाली याद रखना इस चीज को। और ये लोग हम घुसते हुए ज़ारा पे अरे भले बस स्टार्ट कंप्लेन डांस विद मी तोता ढूंढ रही हूं मैं एग्जैक्टली कुछ कह रही थी तुम मैं फिर से सुनना चाहती हूं। ये छोटे बच्चों का जबला 2800 रुपए का मम्मी इतना चप्पल फेंक के मारेगी दूर से 2800 रुपए का। और ये उर्फी जाफर डिजाइन दीदी आपने डाइस कर लिया? ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हम बट आप बहुत हमारे फेवरेट हो चुके हैं आजकल कपड़ों के स्टाइल पे क्या करें। सबसे इंस्पिरेशन पता मुझे कब मिली थी जब उन्होंने ना सेफ्टी पिन से ड्रेस पहनाई बनाई थी सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। कांच तो भाई प्यार हो गया मुझे मैं सोच कैरी कैसे करके घूम रही थी वो कांच वाली ड्रेस। इस बार चाइनीज मॉडल को नाइट ड्रेस बनाई है सॉरी नाइट ड्रेस नहीं लग रही है नाइट ड्रेस नहीं लग रही ब्राउन वाली और वो ब्लैक वाली वो बेचारी न्यूड है कपड़े तो पहना देते उसको अंदर से दीदी कह रही पीछे वाला मॉडल सही है ना कह रही कि रियल मतलब यहाँ तो सपनों की दुनिया में जी लूँ थोड़ा सा बड़ा जिन्होंने फिटनेस लगाए हुए हैं आज पैंटों की बारिश सही है ना ये देखो मैडम को जगह नहीं मिली है तो ये कहीं भी कपड़े पहन रही है दिखाना पीछे घूमो पीछे तो देखो बाल तो हटाओ सीधा तो कर ले कैमरा कौन सी रिकॉर्डिंग सारी कर रही हूँ सारी रिकॉर्डिंग। साक्षी तुमने इतने सारे ये बनवाए हुए हैं? हाँ चकरा बनवाया है। साक्षी को पसंद नहीं आया है आ गया है? साक्षी को पसंद आ गया है। मुझे ना कोई लूज पैंट चाहिए मतलब एक होती है ना लूज पैंट सेक्सी सी बॉटम में। अच्छा डिमांड देख रहे हो लड़की की मिल नहीं रहा है कुछ इनकी डिमांडें बढ़ती जा रही है मिल कुछ नहीं रहा है पास कपड़े दिखने लग गए हैं पता है क्या पता उनको पता लगा हो कि मैं और तुम्हारे हैं तो मैं ये गिफ्ट करती हूँ मगर प्रॉमिस करो तो मुंबई में इसको लेके घूमोगी घूमेंगे कहाँ पे एक रूम से दूसरे रूम तक इतने बड़े रूम भी नहीं होते ना फिर हम इसको सड़कों पे लेके घूमेंगे सड़कें भी बड़ी नहीं होती फिर हम ये ले लेते हैं
हम पैदल ठीक है चलो। गरीबों की तरह बैठ गए हैं, मैं चौकड़ी मार कर और सुना लिया कोने पे, क्योंकि हम मुँह हड़ताल पे थे। ये हमारा सेकंड बिल नहीं है, मतलब थर्ड चौथा बिल है चौथा। एक तो मैंने खर्चा, इसने कुछ नहीं खाया, मैंने सोला आइसक्रीम खा ले, नहीं मुझे सांस आने दो, मैं सब वेट कर करके थक गई, फिर जाके मैंने कॉफ़ी का सिप लिया। फिर ये हमारा दूसरा बिल, फिर हमारा तीसरा बिल, फिर एटलीस्ट चौथा, और ये हमारा पाँचवा बिल चौथा में। गाइस ये साक्षी है और ये बर्गर है। और साक्षी कह रही है बर्गर को खाऊं या पहले कोला पीऊं या पहले फ्राइज खाऊं। वो कुछ चूज नहीं कर पा रही। साक्षी पहले क्या खाओगी, जल्दी बता पहले क्या खाओगी। बर्गर खाऊंगी। इस लड़की को बर्गर की चिंता नहीं, इस लड़की को कैमरे की चिंता है कि कैमरा सीधा पकड़ो। फिर उसने ना रियलाइज किया थोड़ी देर में कि मैं मूवी खा ले और भी लोगों को जान, मेरे अकाउंट को घूमे तो गाइस इट्स टाइम टू से बाय टू सोनाली। बस ये शक्ल नहीं दिखाती, वो प्रॉब्लम है। तुम कैब बुक करो, कैब आ जाएगी 2 मिनट में। मैं पैदल पैदल निकलती हूँ पीछे की तरफ। नहीं, 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 नहीं